धार जिले के धर्मपुरी में आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक ईद उल फित्र का त्योहार कोरोना के चलते अपनों के बीच घरों में रहकर मनाया गया। मुस्लिम समाज सहित अन्य समाजजनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन बधाई देते हुए कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर दुआएं की गई। धर्मपुरी नगर में सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, लेकिन वर्ष 2020 से कोरोना के चलते सभी त्योहार फीके नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज का ईद का त्योहार रमजान माह के 30 दिनों के रोजे रखने के बाद आता है। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह ईद का पर्व मुस्लिम समाज द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में रहकर सादगी के साथ मनाया गया और प्रशासन के निर्देश अनुसार कुछ ही लोगों ने ईदगाह पर नमाज अदा की और कोरोना से मुल्क की हिफाजत की दुआ की गई। वहीं कोरोना को देखते हुए इस वर्ष भी मेल मुलाकात नहीं होने के कारण केवल ऑनलाइन मुलाकात कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। ईद के त्योहार को लेकर बच्चे, बुजुर्ग व जवानों में खासा उत्साह देखा जाता है, लेकिन इस बार भी कोरोना के कारण बच्चों को त्योहार को लेकर मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि ईद का त्योहार खुशियों का त्योहार है और इस साल हर किसी ने किसी को अपनों को खोया है। देश में रोज सैकड़ों मौतें हो रही है, जिसको लेकर हर कोई गमगीन है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने घरों में रहकर ईद मनाई। इस दौरान प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और नवागत थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया ने सभी से घरों में रहने की अपील भी की। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं ईद उल फितर की सारे देशवासियों और शहरवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ईद उल फितर की का जो त्यौहार है ये तो बहुत ही धूमधाम से, यानी कि सारे लोग जो है इकट्ठा होकर ईद उल फितर की नमाज अदा करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, मुआन का मुसाफा करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन और महामारी के चलते ईद उल फितर की नमाज चंद लोगों ने अदा की और साथ ही सब लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ईद उल फितर का त्यौहार मनाया और जो है दुआ की कि सारे मुल्क और सारी दुनिया से जो महामारी कोरोना वायरस है ये ख़त्म हो जाए, ये वबा चली जाए और लोग महफूज व मामून हो जाएं और ख़ासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सारे लोग इससे बच जाएं और इस बीमारी से महफूज व मामून हो जाएं। जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ख़ास तौर से इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस की महामारी है और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बीमार हो रहे हैं, साथ साथ बीमारी के साथ साथ इस मर्ज़ की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, तो इससे बचने के लिए एहतियात करें, हर चीज़ का ख्याल रखें और ख़ास तौर से अभी जो वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है उसको सारे लोग लगवाएं और उस पर ख़ास तौर से तवज्जो रखें ताकि इस बीमारी से बचें और बचने की तरकीब हमें मिल जाए। तो वैसा ही उन्होंने किया है और शांतिपूर्ण तरीके से उसकी नमाज अदा की गई। हाँ सर, क्षेत्र की जनता से कोरोना को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी सभी से यह निवेदन है, सभी से अपेक्षा ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और सभी लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और बहुत जरूरी हो सभी घर से बाहर निकलें और अनावश्यक रूप से बाजार में भीड़ ना लगाएं। सभी लोगों से ये निवेदन है कि कोई भी अपनी दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान जो उनको टाइम दिया गया उसके अलावा नहीं। सर अगर कोई व्यापारी इसका उल्लंघन करते हैं तो क्या कार्रवाई? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी जो उनको दिया गया समय उसके अलावा दुकानें खुलता है बाजार में बिना किसी कारण के घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त